वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेखा के बारे में, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही यूजफुल है। कौन सी लाइन कहाँ पर प्रयोग की जाती है, आइए देखते हैं कौन कौन सी लाइन है जो कि हमें जानना आवश्यक है। पहली लाइन जो देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रा की गई जो कि थोड़ी सी मोटी है। इसकी थिकनेस होगी 1 mm, मोटाई जो होगी 1 mm, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, मतलब कि लगातार खींची जाने वाली मोटी रेखा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं विजिबल आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन ड्रा करने के लिए इसका यूज़ की जाती है। किसका यूज़ की जाती है, कॉन्टिन्यूस थिक लाइन की, जो लगातार मोटी लाइन हो उसका, कितनी मोटी हो उसकी मोटाई 1 mm होनी चाहिए। आगे देखते हैं कौन सी लाइन है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, मतलब स्ट्रेट होगी सीधी, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, थिन माने पतला, और कितनी पतली होगी, 0.4 mm थिन होगी। ओके, इसका यूज किया गया कहाँ किया जाएगा, डायमेंशनिंग में, एक्सटेंशन लाइन में, सेक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन में और प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। कैसी लाइन का प्रयोग किया जाएगा, इन सब के लिए कॉन्टिन्यूस थिन लाइन का प्रयोग किया जाएगा। ये कितनी मोटी होगी, इसकी मोटाई होगी 0.4 mm होगी। आगे जानते हैं, नेक्स्ट है डैश थिक, डैश थिन मतलब कि क्या, डैश थिक मतलब ऐसा डैश जो कि मोटा हो, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे डैश थोड़ी सी मोटी है, डैश थिन मतलब कि डैश क्या है, पतली है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा हिडन आउटलाइन एंड एज में, मतलब कि हिडन आउटलाइन होगा उसका और किनारे को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, हिडन आउटलाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है उस, देखिए इसमें क्या है, एक लंबी लाइन है फिर छोटी लाइन है, डैश है फिर लंबी लंबा डैश फिर छोटा डैश फिर लंबा डैश फिर छोटा डैश, इसको बोला गया है अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश। अल्टरनेटिव में एक के बाद एक आएगा। इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई होगी 0.3 mm होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 0.3 mm लाइन की मोटाई होगी। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेंट्रल लाइन दिखाने के लिए, एक्सिस और लोकस लाइन दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे लाइन का प्रयोग किया जाता है, जो कि अल्टरनेटिव हो, एक लॉन्ग हो फिर शॉर्ट हो, फिर लॉन्ग हो फिर शॉर्ट हो, ऐसे लाइन का प्रयोग हम लोग जो करते हैं सेंट्रल लाइन दिखाने के लिए, एक्सिस दिखाने के लिए, लोकस लाइन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं कौन सा है, अगली जो हमारी लाइन है, जस्ट वन सेकेंड, ओके, अगली जो हमारी लाइन है वो हमारी है अ लॉन्ग एंड टू शॉर्ट डैश, मतलब कि क्या, एक लंबी रेखा होगी, लंबी डैश होगी और दो स्मॉल डैश होगी, ऐसी लाइनें हम प्रयोग की जाएंगी। इसकी मोटाई कितनी होगी, 0.8 mm थिक होगी। ये किसका यूज कहाँ किया जाता है, या तो ये होगी या तो फिर नीचे वाली, मतलब कि पहला और लास्ट वाला डैश थोड़ा मोटा होगा बाकी बीच वाला पतला होगा, ये यूज, दोनों में से कोई एक यूज की जाएगी। कहाँ यूज की जाएगी ये कटिंग प्लेन के लिए यूज की जाएगी, कटिंग प्लेन लाइन या फिर सेक्शन प्लेन लाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी, आगे यूज हम दिखाते हैं कहाँ पर इसका यूज होगा। आगे क्या है, आगे क्या है, फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड लाइन क्या होती है, मतलब हाथ से ही कोई ऐसी लाइन खींचे जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, फ्री हैंड लाइन है ये। इसका प्रयोग किया जाता है शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखाने के लिए, कोई भी शॉर्ट ब्रेक, कोई चीज़ है हल्की से छोटी सी ब्रेक है उसके लिए दिखाने के लिए ये फ्री हैंड लाइन का यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। और दूसरा जो है फ्री हैंड जिग जैक लाइन, इसका प्रयोग किया जाता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं लास्ट जो है हमारे है टाइप में, इसको बोलते हैं डबल डैश आफ्टर द गैप, मतलब कि क्या है, दो डैश दिया गया है उसका फिर से लंबा गैप दिया गया है, फिर दो डैश दिया गया है, फिर लंबा गैप, फिर दो डैश दिया गया है, इसका यूज करते हैं डीटो लाइन में। डीटो लाइन क्या है आगे डिटेल्स जानते हैं, लेकिन ये जान लेते हैं इस लाइन की जो मोटाई होगी वो 0.2 mm की होगी। ओके, देखें इस वाले फिगर में डिटेल्स देखें ध्यान से, तो सारे दिखाए गए कौन कौन सी लाइनें कहाँ कहाँ यूज की जा रही हैं। देखिए ये जो है हिडन लाइन आर डॉटेड लाइन है,
ये वाली जो लाइन है ये हिडन लाइन या फिर डॉट लाइन बोला गया है। हिडन लाइन का ये मतलब जो लाइन हमको दिखाई ना दे रही हो बट अंदर वो हो, जो अंदर हो और बाहर दिखाई ना दे उसको हम डॉट मारते हैं, उसी को बोलते हैं हिडन लाइन और डॉटेड लाइन। देखिए अब जब बाहर का किनारा होता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटलाइन, जो कि ये है आउटलाइन या फिर एज दिखाने के लिए क्या आता है। और जब उसका बीच का जगह होता है जैसे कि बीच में होल है, इसके ऐसे बीच में होल है तो इसको दिखाया जाता है उसके एक्सिस से, उसको बोलते हैं सेंटर। यहाँ भी एक होल है इसको बोला जाता है सेंटर। सेंटर लाइन दिखाने के लिए क्या है, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश ऐसे दिखाया जाता है, तो सेंटर लाइन को दिखा रहा है। आगे क्या है, ये वाला डायमेंशन इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, जो कुछ डायमेंशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, जो कि अभी पढ़ा गया है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया आपको, इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जैसे कि डायमेंशन फिगर दिखाने के लिए यूज किया गया है, एरो हेड एरो को दिखाया गया यहाँ पर। जो इस टाइप की हैचिंग इस टाइप की लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। क्या बोलते हैं, हैचिंग लाइन, मतलब इसको पूरा काट दिया गया है, जब आरी से काटा जाता है तो लाइन बन जाती है, उसी को यहाँ पर इंजीनियरिंग में जो है तिरछी लाइन दिखाई जाती है, इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन, ताकि ये समझ में आ जाए कि इसको काटा गया है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें भी दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर जो है ये वाली लाइन किसको दिखाती है, ये वाली लाइन दिखाती है आपको कटिंग प्लेन लाइन। अभी कटिंग प्लेन लाइन के बारे में बताए थे, यही है कटिंग प्लेन लाइन। देखिए इसको बोलते हैं जैसे कि डायमेंशन को शो कर रहा है तो इसको तिरछा लिया जाया गया है, इस बार तिरछा लाइन को बोलते हैं लीडर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर लाइन। और किसी भी होल को दिखाने के लिए उसके डायमीटर को दिखाने के लिए इसको थीटा से दिखाया जाता है, उसके साथ से इसको लिखा जाता है। ये स्मॉल गैप गैप दिखाया गया है, एक्सटेंशन लाइन दिखाई गई है, ये वाला लाइन को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आगे हम पढ़ते जाएंगे। आइए डिटेल से जानते हैं क्या क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए इसमें क्या है, कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन लाइन क्या है, हिंदी में काट समतल अथवा परिच्छेद तल रेखा, परिच्छेद मतलब काटना सेक्शन करने वाला। देखते हैं इसमें पहला टॉपिक क्या है, इनके द्वारा किसी भी वस्तु को काटने वाले समतल की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखा के द्वारा जो है किसी भी वस्तु के काटने वाले समतल की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्या है, यह रेखा चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जाती है, जिस रेखा का यूज चित्र के अनुसार किया जाता है। केंद्र के अनुसार इसे प्रदर्शित करने पर इसके दोनों सिरे मोटे बनाए जाते हैं, जब केंद्र के अनुसार इसको यूज किया जाता है कटिंग लाइन को तो पहला और लास्ट वाला जो डैश होता है उसको मोटा बनाया जाता है। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन जो अभी दिखाए थे ऊपर, वस्तु रेखा या फिर रूप रेखा है, ये क्या होती हैं, ये रेखाएं चित्र के अनुसार बनाई जाती हैं, जैसा चित्र होगा वैसे बनाया जाएगा, तथा इन रेखाओं की मोटाई तथा सतत होती है, मतलब कि मोटा होता है और कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार थिक एंड कॉन्टिन्यूस होता है बनाया जाता है। इनका उपयोग सीमा रेखाओं को खींचने में तथा कि दृश्य कोण मतलब विजिबल एज के लिए किया जाता है, जो एज दिखाई देती है उसको बनाने के लिए आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है थिन लाइन, मतलब कि पतली रेखा, पतली रेखा का यूज कहाँ किया जाता है, देखिए ये रेखाएं पतली तथा हल्की बनाई जाती हैं, इनका प्रयोग बीमा रेखाओं प्रसार रेखाओं काट गए भाग की हैचिंग रेखाओं प्रक्षेप रेखा तथा रचनात्मक रेखाओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है एक बार फिर से देख लेते हैं, ये रेखाएं पतली और हल्की होती हैं, ठीक है, इनका प्रयोग बीमा रेखाओं मतलब कि डायमेंशनिंग में, प्रसार रेखाओं मतलब कि एक्सटेंशन लाइन में, काटे गए भाग को दिखाने के लिए हैचिंग किया जाता है, जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन थी उसके लिए, प्रक्षेप रेखाओं प्रोजेक्शन के लिए, रचनात्मक कार्य मतलब कि रचनात्मक रेखाओं मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए ये पतली लाइनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डॉटेड और हिडन लाइन। डॉटेड और हिडन लाइन कहाँ यूज किया जाता है, खंडित या अदृश्य रेखाएं, ये रेखाएं मध्यम मोटाई के लगभग 2 से 3 mm
लंबाई तो मध्यम मोटाई की होती है, मोटाई की होती है, और एक डैश की लंबाई जो होगी 2 से 3 mm की रखी जाती है, समान दूरी पर लगाए जाते हैं, और दो डिस्टेंस दोनों के बीच मेंटेन होगा वो समान होगा 1 से 1.5 mm। ये रेखाएं खंडों को प्रदर्शित करती की जाती हैं। इन रेखाओं का उपयोग वस्तु की छिपी हुई रेखाओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है, जैसे कि पीछे की लाइन नहीं दिखाई दे रही, कोई कट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको दिखाने के लिए ये डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है, इसी को हिडन लाइन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेंटर लाइन और लोकस लाइन, केंद्र रेखा या पथ रेखाएं, यह क्या होती हैं? ये रेखाएं पतली तथा क्रमशः एक बड़े और एक छोटे रेखाखंड द्वारा खींची जाती हैं, मतलब एक बड़ा होगा फिर एक छोटा होगा, ऐसे खींची जाती हैं। जैसे कि हल्का सा यहाँ पर दिखाया गया पेंसिल से, ये लॉन्ग है, फिर छोटा सा है, फिर लॉन्ग है, फिर छोटी लाइन है, फिर लॉन्ग है, ऐसे आती है। क्या है इसके बारे में? प्रत्येक बड़ा रेखाखंड 35 से 55 mm लंबा होता है, मतलब लंबी वाली रेखा जो होगी उसकी लंबाई 35 से 55 mm लंबा होगा, और छोटा रेखाखंड जो है 1.5 से 3 mm लंबा होगा, छोटा वाला जो होगा वो 1.5 से 3 mm लंबा होगा, लंबाई के रखना चाहिए। दोनों प्रसार रेखाओं के बीच के गैप 1.5 mm बीच में, लंबी डैश और छोटी डैश के बीच के जो अंतर होगा ये वाली, उसको जो 1.5 mm मतलब 1.5 mm के आसपास रखना होता है सेंट्रल लाइन में। आगे देखिए क्या है, इन रेखाओं द्वारा सभी ठोसों के अक्ष तथा किसी बिंदु पर की रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब किसी के अक्ष को, सेंट्रल लाइन को, और किसी के बिंदु पद को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर फिर से एक बार देख कर समझ लीजिए कि किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल लाइन की बात कर रहे हैं। सेंट्रल लाइन कौन सी है? ये बीच वाली, देखिए ये लंबी है, फिर छोटा है, फिर लंबा है, फिर छोटा है, फिर लंबा है, और यहाँ पर भी लंबा है, छोटा है, फिर लंबा है, यही जो हमारी है सेंट्रल लाइन या फिर एक्सिस है उसकी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ है शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या है? देखिए लघु अवरोध रेखा, यह रेखा पतली और लगातार होती है, मतलब पतली होती है और लगातार खींची जाती है, इसे मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है, हाथ से ही टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाता है। इन रेखाओं के द्वारा आरेख में टूटे हुए छोटे भागों को दर्शाया जाता है, इन रेखाओं के द्वारा कोई वस्तु इसमें छोटा सा ब्रेक हो उसको दिखाया जाता है। आगे फिगर है से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसी है? दीर्घ अवरोध रेखा, इन रेखाओं को चित्र के अनुसार पतली तथा बीच 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 में स्वतंत्र हाथों से जिग जैग बनाते हैं, मतलब हाथ से ही इसको जिग जैग बनाते हैं। जब किसी वस्तु के अधिक दूरी तक के लंबे भाग को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब लंबी दूरी के ब्रेक लाइन, ब्रेक को दिखाने के लिए ये लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे जो यूज किया गया है ये दिखाया गया है शॉर्ट ब्रेक लाइन को, शॉर्ट ब्रेक लाइन को, और यहाँ पर दिखाया गया है लॉन्ग ब्रेक लाइन को दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटो लाइन क्या है? तदेव रेखा क्या डिटो लाइन? देखिए इनके बारे में जानते हैं। इन रेखाओं को चित्र के अनुसार मध्य तथा दो खंडों में है कि दो डबल डैश होता है के जोड़ों द्वारा दूर दूर दर्शाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक रेखा खंड 3 mm लंबा होता है, मतलब कि जो रेखाखंड की लंबाई होगी डैश की वो 3-3 mm की होगी, और प्रत्येक जोड़े के रेखा के बीच की लगभग दूरी 1.5 mm की होगी, मतलब दोनों डैश के बीच की दूरी जो होगी वो 1.5 mm होगी, तथा दूसरे डैश का रेखाखंड 10 से 15 mm की दूरी पर होगा। और इसमें हम लोग जानते हैं डिटेल, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है दो पास पास में है, उसका काफ़ी दूरी के बाद फिर दो है, तो जब बीच जो गैप मेंटेन किया जाएगा दो डैश के बाद वो 10 से 15 mm का होगा। और क्या है, इन रेखाओं द्वारा ड्राइंग में बार बार दोहराए जाने वाले भागों को प्रदर्शित किया जाता है। डिटेल लाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर बार बार दोहराए जाने वाले भागों को प्रदर्शित किया जाता है, बार बार किसी चीज़ को दिखाना हो तो वहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। लास्ट में देखते हैं हैचिंग लाइन क्या है। हैचिंग और सेक्शन लाइन, यह रेखा काटे गए भाग के अंदर बारीक तथा लगातार होती हैं, जो आपस में लगभग 2 mm की समान दूरी पर 36 से 45 डिग्री पर हल्की खींची जाती है, मतलब जो हैचिंग लाइन होगी वो एक दूसरे से
2 mm की दूरी पर होगी लगभग, और इनके झुकाव जो होगा वो 36 से 45 डिग्री के कोण पर होगा। ये रेखाएं वस्तु को काटने के बाद स्क्रेच को दर्शाती हैं। जब वस्तु काटी जाती है, जैसे किसी आरी से काटा गया तो उसमें निशान पड़ जाता है, उसी निशान को ये दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको काटा गया है और ये जो तिरछी लाइन है, ये वाली तिरछी लाइन, इसी को बोलते हैं हैचिंग लाइन। ये दूसरे से 2 mm की दूरी पर और 36 से जो है 45 के कोण पर होंगी। आइए आगे देखते हैं क्या है। आइए देखिए, यहीं तक जो है लाइन, इतना ही हम लोग को रेखा के बारे में जानना है, और यही जो है पूरे ड्राइंग में इसका यूज किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस।